मामला वहीं से बिगड़ रही है कि आज शादीशुदा ना होने के बावजूद भी लोग बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं और महिलाओं के साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो वो महिला हमारे देश की ही बहू बेटी हैं। ऐसे गंदे सिस्टम पर रोक लगाइए सर, और इन सारे चीज़ों को हमारे संविधान से कहीं ना कहीं अपराध समझकर और इन चीज़ों में बदलाव लाइए। जैसा कि मैडम से हमारी तर्क हो रही थी, कहेंगे लोग कि जो पहले पति की नहीं दूसरे पति की क्या होगी। हाँ, ये कहने वाले कहते हैं ठीक है, कोई कोई जैसे कि दोनों का रिश्ता नहीं मिला, दिल नहीं मिला, तो ज़बरदस्ती का भी प्यार नहीं होता है। अपना आपस में दोनों बैठ के अपना साइन कर दिया तलाक में और अलग हो गए। तो पहले पति का होना ना होना तो ये बैठ के जब फैसला हो गया तो उसमें क्या, बहुत सारे लोग होते अपने पति को भी मरवा देती हैं, तो वो भी होता है पहले पति को नहीं भाई दूसरी, तो वो एक समय के अनुसार होता है। ऐसा मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा लिखा था, तभी तो हमने तलाक लिखा होगा, तभी तो ऐसे सब कुछ हुआ। तो वही है जो कहने कमेंट में, तो अगर आपके पति सूर्यकांत जी हैं कहते हैं कि मैं आपको भी रखूंगा और जो दूसरी वाली बीबी है, कब पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है या हो गई है? अभी ही पता चला है, वही 15 दिन हुआ है। 15 दिन? हाँ। जब जानी तो फिर क्या बीता आपके ऊपर? फिर मैं बहुत भड़बड़ा रही थी और बहुत सारे लोग हमें दबा के रखे थे, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच रही थी मैं अब क्या करूं, अब तो कुछ है नहीं, सब तो अंधेरा हो गया। फिर बहुत लोगों ने हिम्मत बंधाई कि उसे बात करवाएंगे, तुम्हें हक दिलवाएंगे, तुम उसकी पहली हो, 4 साल से तुमने उसको देखा तो तुम ही हो। तब थोड़ा हिम्मत बंधी हमारे और अभी जिंदा हूँ, खाती हूँ, थोड़ा रहती हूँ, बस वही सामना। अच्छा, एक प्रश्न तो पुरुषों के लिए भी हो सकता है ना, कि अगर एक महिला पहले पति की नहीं हुई, तो ये जो पुरुष हैं जो पहली पत्नी की नहीं हुई, उनकी क्या गारंटी है कि वो दूसरी की होंगी? और ये कितने अच्छे लोग हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी समाज में इस तरह के गंदगी फैलती है तो हर गंदगी में एक महिला एक पुरुष होते हैं, तो सवाल तो महिला पुरुष दोनों पर उठनी चाहिए ना। बिल्कुल मैडम, बहुत बड़ा सवाल है। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ज्यादातर लगातार टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता किसको क्या हम बोल देते हैं और कहाँ जाते कहाँ बैठते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। जिम्मेदार सूर्यकांत होगा और उसकी फैमिली होगी, घरवाली उमाकांत भसूर और अरविंद ठाकुर, और पूरे घर वाला उनके जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बाहर रहती हूँ और मैंने सना भी जमा कर दिया है थाना में, सब जगह मुझे कुछ भी होता है जिम्मेदार वही लोग होते हैं। फिर आपका खर्च वर्च कैसे चल रहा है? अभी तो वो समा रहे थे, अब तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, दोनों तरफ से सहानुभूति से अभी चल रही है। अभी जहानाबाद में कुछ ऐसी महिला लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंसानियत जिंदा है। बिल्कुल, अभी भी इंसानियत जिंदा है, तभी दुनिया चल रही है। जिस दिन इंसानियत समाप्त हो जाएगी दुनिया चलेगी ही नहीं, तो आज भी इंसानियत के नाते कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन भी करेगी, इन छोड़ेगी नहीं। और बहुत देखिए, अभी हमारी टीम है सो बहुत जल्दी हम लोग जहाँ इनका मतलब हस्बैंड का जहाँ इनका जॉब है, कहाँ पर है आप ही बता दो एड्रेस। किस बटालियन में है? ये डोगरा में है और मेरठ 153 उधरी है इनका ऑफिस, तो सीओ से दीदी मिलेंगी और बात करेंगी। उनका एक कोई कोड होता है, याद है आपको? नहीं। देखिए, अगर वहाँ पे आसानी से हमको सीओ सर नहीं मिलते हैं और अपने आर्मी जवान को अगर सपोर्ट करते हैं, तो बहुत जल्दी लखनऊ में ए ब्रिगेडियर सर के पास हम लोग जाएंगे और जाकर वहाँ आवेदन देंगे। और कई लोगों की तरफ से मुझे मेरे पास कॉल आया है कि मैडम आप इनको लेकर वहाँ जाइए, वहाँ से इनको बिल्कुल मदद मिलेगा। तो हम लोग बहुत जल्दी लखनऊ ब्रिगेडियर सर हैं उनसे भी मिलने जा सकते हैं। क्या उम्मीद लगता है सीएम योगी और मुखिया प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी, मंत्री जी के लिए यही कहना है कि मोदी सर आपने राम मंदिर तो बना दिया, राम राज के आपने राम राज का स्थापना नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी आपके देश में जानकी जैसी बेटियां बहु बेटियां समाज में दर दर भटक रही हैं इंसाफ के लिए, और राम की तो तुलना कोई क्या कर सकते हैं, लेकिन आज जानकी सुरक्षित नहीं है। और कई ऐसे रावण मोदी जी ने ही महिला
महिलाओं को सम्मान दिया, राशन कार्ड पे फर्स्ट स्थान पे नाम दिया। कई ऐसे रावण हैं जो प्रेम के झांसे देके आज भी जानकी जैसी औरतों को बरगला रहे हैं और उनके सम्मान उनके चरित्र के साथ खेल रहे हैं। तो सर, राम मंदिर से ज़्यादा राम राज की आवश्यकता है और सीता जानकी जैसी चरित्र जो है उसको कम से कम शिक्षा क्षेत्र में लाइए और बचपन से ही महिला और पुरुष दोनों को संस्कार देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बदलाव कीजिए। तो अभी तक कितने बार आप उनसे मिली हैं और कुछ आइडिया है कितने सालों तक साथ रही हैं, कितने दिनों तक वो छुट्टी पे रहे हैं, कितने ये सब चीज़ें याद हैं कुछ? जी जी, 6-7-8 बार मिले हैं उनसे और 4 साल हो गया है। दर्शक लोग देख रहे हैं इस वीडियो पे आपकी क्या राय है इन जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं एक तरफ से। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और हम समाज के लिए देना चाहते हैं कि सबसे पहले यो लिविंग रिलेशनशिप इन सारे चीज़ों पर रोक लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला वहीं से बिगड़ रही है कि आज शादीशुदा ना होने के बावजूद भी लोग बड़े बड़े होटल में जा रहे हैं और महिलाओं के साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो वो महिला हमारे देश की ही बहु बेटी हैं। ऐसे गंदे सिस्टम पर रोक लगाइए सर, और इन सारे चीज़ों को हमारे संविधान से कहीं ना कहीं अपराध समझकर और इन चीज़ों में बदलाव लाइए। देखिए, मैं पीएम मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इन महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाओं की आवाज़ को लगातार हम लोग दिखाते रह रहे हैं, प्यार पे लगातार प्रहार भी होता नज़र आ रहा है, लगातार जो महिलाएं हैं शोषण की शिकार होते जा रही हैं, कोई पुल से कूद रहा है तो कोई पुल से छलांग लगा दे रहा है, तो लगातार आपने वीडियो देखा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।